जारी है। इस बीच कई देशों में खाद्यान्न संकट गहराया हुआ है। मसलन गेहूं के गढ़ कहे जाने वाले इन दोनों राष्ट्रों से कई देशों को होने वाली गेहूं की आपूर्ति पूरी तरह से प्रभावित हुई है। ऐसे में भारतीय गेहूं की मांग दुनिया भर में बढ़ी हुई है। नजदीकतम देश के अंदर गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम पर बिक रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल रोक लगा दी है। कारण बताया जा रहा है कि देश में गेहूं का उत्पादन कम होने की वजह से ये फैसला किया गया है, लेकिन गेहूं के कम उत्पादन को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। बल्कि सरकार ने फरवरी में भी पिछले साल की तुलना में इस वर्ष अधिक गेहूं के उत्पादन का अनुमान जारी किया था। इस बीच निर्यात पर रोक से बाजार में भारी उथल पुथल मच गई है। वहीं केंद्र सरकार के कृषि व किसान कल्याण विभाग और अर्थ व सांख्यिकी निदेशालय ने सभी फसलों के कुल उत्पादन को लेकर फरवरी 2022 में अग्रिम अनुमान रिपोर्ट जारी की थी, जिसके तहत वर्ष 2021-22 में रबी सीजन के दौरान गेहूं का उत्पादन 2020-21 की तुलना में तकरीबन 2 मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। वहीं जारी की गई अग्रिम अनुमान रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020-21 में रबी सीजन के दौरान गेहूं का उत्पादन 109.59 मीट्रिक टन हुआ था। वर्ष 2021-22 में रबी सीजन के दौरान गेहूं का उत्पादन का अग्रिम अनुमान 111.32 मीट्रिक टन का है, जबकि लक्ष्य 111 मीट्रिक टन है। वहीं हालांकि मई के पहले सप्ताह में कृषि मंत्रालय ने गेहूं उत्पादन का संशोधित अनुमान जारी किया था, जिसके तहत उत्पादन में कटौती की गई थी। संशोधित अनुमान में इस रबी सीजन में 105 मीट्रिक टन का उत्पादन होने की बात कही गई थी, जो भी पिछले साल की तुलना में अधिक था। वहीं गेहूं के निर्यात पर लगी रोक के बाद से बाजार में उथल पुथल देखने को मिल रही है। वहीं निर्यात पर रोक का ये फैसला तब लिया गया जब बाजार में गेहूं से जुड़े उत्पादों के दाम ऊंचाई पर पहुंचने से शुरू हो गए हैं, लेकिन बाजार के विशेषज्ञ निर्यात पर रोक का कारण उत्पादन में कमी को नहीं मान रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक निर्यात के रिकॉर्ड लक्ष्य और फ्री राशन के वायदे निर्यात पर रोक की एक प्रमुख वजह तो हो सकती है, लेकिन असल में सरकार ने बीते साल 70 लाख टन गेहूं का निर्यात किया था, जबकि इस बार गेहूं निर्यात का लक्ष्य 100 लाख टन निर्धारित किया गया हुआ है, जो सीधी तौर पर ये 45% से अधिक है। वहीं कई राज्यों ने फ्री राशन बांटने की घोषणा भी की हुई है। ऐसे में कई उत्पाद में मामूली कमी से दोनों लक्ष्यों के प्रभावित होने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ गई हैं, वहीं जिससे बाजार में गेहूं की कमी भी हो सकती है। राशन वितरण और रिकॉर्ड से संबंध में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट के राष्ट्रीय महासचिव कहते हैं कि बेशक निर्यात के लक्ष्य से देश के अंदर गेहूं की संभावित कमी हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी इस फैसले का बाजार में असर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी सरकार को गेहूं की घरेलू खपत के आंकड़े जारी करने हैं, जिसके बाद बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो ये थी बात गेहूं की कि गेहूं उत्पादन का जो अनुमान है वो पिछले साल से अब ज्यादा है और गेहूं निर्यात पर रोक से बाजार में उथल पुथल भी मचनी शुरू हो गई है। तो बड़ी खबर में आज बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।